आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर का संगनाद किया था। ऐसे निर्णय की धारा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद जिनकी आवाज मेरठ के विकास के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष रूप से उभरती थी, लगातार कार्य करते थे। ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना उत्तराधिकार जिन्हें सौंपने जा रहे हैं कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए, एक सामान्य से मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना पूर्ण बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने पूर्ण पूर्ण गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए हैं। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिला है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही, यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हुआ मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में, 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविंद जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविंद जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर है जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना ने 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मान हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल था। दूरदर्शन की प्यास भी लड़ गई थी, तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है, इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आपने जन्म दिया था, और उससे भी पहले, इतिहास से भी पूर्व पहले
आपके इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 नहीं 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर का संकनाद भी इसी धरा पर हुआ था और बाबा अमरनाथ मंदिर उसका साक्षी है। और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है, जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ लेता है। और अरुण गोविंद जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत कर लीजिए। हमारे माननीय विधायक गण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मकलोक गौड़ जी हैं,